हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ए न्यू वीडियो। सो गाइस, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक इंटरनेट से रिलेटेड न्यू वीडियो। तो आपको ये वीडियो जो है गाइस आज कुछ ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं बहुत ज़्यादा आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इंटरनेट से रिलेटेड, APN से रिलेटेड, कि आपकी सेटिंग क्या है, कैसे होती है, और आपके इंटरनेट की स्पीड किसी की बढ़ती है, किसी की नहीं बढ़ती है। तो इन सब का मैं आज परमानेंट सॉल्यूशन लेकर इस वीडियो में आया हूँ। तो गाइस, जहाँ तक मुझे पता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप ना करें, तभी आपकी समझ में आ पाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ गाइस, आपको जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो पर सबसे पहले लाइक कर देना, और जैसे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही प्रेस कर देना इस बेल आइकन को ऑल पे। और गाइस, जब आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा हल्का सा अच्छा सा कमेंट भी कर देना। तो जैसे आपको अच्छा लगे गाइस, ऐसे आप कमेंट कर सकते हो। सो गाइस, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो गाइस, आज मैं आपको एक न्यू APN बताने वाला हूँ, और मैं ये भी बताऊँगा कि ये APN किस डिवाइस में काम करेगा, किस में नहीं करेगा। तो ये जियो का APN है गाइस, और मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे जो स्पीड टेस्ट है ओकला का, इसमें जो अपना डिफ़ॉल्ट APN है उसकी स्पीड दिखा देता हूँ। उसके बाद जब हम APN सेटिंग करेंगे, उसके बाद न्यू APN की सेटिंग जो हम करेंगे, उसके बाद उसकी स्पीड देखते हैं। तो गाइस, पहले हम यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट APN है इसकी देख लेते हैं क्या स्पीड मिलती है। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे कि मैं दिल्ली के आसपास हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दिल्ली देहरादून में काफ़ी डिस्टेंस है, बट जो सर्वर है मेरे पास जो फ़िलहाल आ रहे हैं वो देहरादून से आ रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है देहरादून ई नेट सॉल्यूशन प्राइवेट। तो गाइज़, इससे वैसे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता सर्वर कहीं के भी हो, बट हमारा नेट चलना चाहिए। तो यहाँ पे जो डाउनलोड स्पीड है अभी फ़िलहाल मेरे फ़ोन में वो है 5 Mbps के आसपास। तो अब हम उस सेटिंग को कर लेते हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें जाना होगा बैक। बैक जाने के बाद गाइज़, हमें खोलनी है अपने फ़ोन की सेटिंग। सेटिंग में आपको जाना है डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क पे। यहाँ पे जाने के बाद आपको चेक करना है आपको कौन से इंटरनेट सिम में ये सेटिंग करनी है। तो यहाँ पे जैसे जियो 2 में मेरे इंटरनेट है, तो मैं इस वाले सिम में इस सेटिंग को करूँगा। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक्सेस पॉइंट ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बस एक ही APN है जो कि डिफ़ॉल्ट APN है। तो अब हमें एक न्यू APN क्रिएट करना है। तो न्यू APN के लिए प्लस के आइकन पे क्लिक करना होता है। उसके बाद गाइज, आपको सबसे पहले नेम लिखना है। नेम में मैं बता दूँ आपको, आपको लिखना है 4G, सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है। फिर लिखना है नेक्स्ट लेवल, 4G नेक्स्ट लेवल लिखने के बाद आपको इसको सेव कर देना है। इसके बाद गाइज आता है APN। APN में आपको लिखना है जियो नेट। जियो नेट में आप कैसे भी छोटी बड़ी स्पेलिंग लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट स्पेस नहीं होना चाहिए। इसको भी सेव कर लेना है। प्रॉक्सी पोर्ट यूजर नेम पासवर्ड, इन चारों को आज आपको छोड़ देना है। इसके बाद आता है गाइज सर्वर। तो सर्वर में जैसे कि हम पहले भी करते आए, तो आपको यहाँ पर सिंपली google.com लिख देना है। इसके बाद गाइज MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, MCC, MNC, इन पांचों को नो सेट रहने देना है। जैसे कि है, जैसे है ये, इनको ऐसे कैसे रहने देना है। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन टाइप। तो यहाँ पे आपको गाइज क्लिक करना है लास्ट वाले पे जो कि है PAPOCHAP। इस पर क्लिक करने के बाद आता है APN टाइप। APN टाइप में यहाँ पे नो सेट रहने दीजिएगा गाइज इसको। इसके बाद आता है APN प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जैसे कि IPv4 पे क्लिक है, तो यहाँ से इसको हटा के IPv4/IPv6 पे क्लिक कर देना है। और सेम प्रोसेस आपको APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी करनी है। यहाँ पे भी आपको लास्ट वाले पे क्लिक करना है जहाँ पे लिखा हुआ है IPv4/IPv6। इसके बाद गाइज आता है बियरर। तो बियरर बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें बताना चाहूँगा कि गाइज, जैसे कि इंटरनेट होता है जो हम APN सेटिंग बताते हैं, APN सेटिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका अगर नेट किसी का भी आपके एरिया में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो ऐसा कोई जादू नहीं है गाइज कि आप एक APN सेटिंग करोगे और आपका इंटरनेट जो है ऑटोमेटिक फास्ट चलेगा औरों के मुताबिक। गाइज APN का काम होता है कि आपके एरिया में जो मैक्सिमम स्पीड होगी, जैसे मेरे यहाँ पे 5 Mbps, 5 MB स्पीड मिलती है मैक्सिमम,
और मैं चला रहा हूँ अपने फ़ोन में इंटरनेट और मुझे 1 MB भी नहीं मिल रही है। तो APN का काम ये होता है कि APN जब आप सेट करते हो तो वो आपके इंटरनेट को आपके एरिया के मैक्सिमम स्पीड तक ले जाते हैं। अब जैसे मेरे यहाँ पे 5 MBPS की स्पीड है और मुझे मिल रही है 1 MBPS की। तो जैसे मैं APN सेटिंग करता हूँ तो APN सेटिंग जो सही होगी, यूजफुल होगी, वो मेरे जो इंटरनेट को है वो 5 MBPS कर देगी। बट गाइस इतना ही है कि जितने आपके एरिया में मैक्सिमम स्पीड होगी उतना ही APN आपके इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके एरिया में मिल रही है 5 MBPS की स्पीड और आपने किसी वीडियो से APN उठाया कि 50 MBPS की स्पीड मिल रही है, भाई इसको कर लेता हूँ मुझे ज़्यादा स्पीड मिलेगी। ऐसा नहीं है गाइज, आपको बस 5 MBPS ही स्पीड मिलेगी जो आपके एरिया में मैक्सिमम होगी। अगर आप किसी ऐसे एरिया में जाते हो जहाँ पे ज़्यादा हाई क्वालिटी का इंटरनेट चलता है, जैसे दिल्ली जाते हो, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक आपको जो है इंटरनेट स्पीड अच्छे वाले देखने के लिए मिलेगी। तो गाइज़ ये होता है कि आप बहुत सी कमेंट आती है कि हमारे में ये APN काम नहीं करा, कुछ कहते हैं कि ये चल गया गाइज़, तो बहुत ऐसा है। तो मैं उनके लिए बताना चाहूँगा जो कहते हैं नॉट वर्किंग। तो नॉट वर्किंग के लिए गाइज़ आपके एरिया में जब इंटरनेट की स्पीड ही नहीं है तो APN क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता गाइज़ उसमें। तो बेटर है कि आप अपने एरिया में सबसे जो पावरफुल इंटरनेट होगा, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, BSNL, कुछ भी हो गाइज, जोन से में भी आपका इंटरनेट आपके एरिया में अच्छा चलता है, तो उसको आप अपने सिम को उस वाली कंपनी से पोर्ट करा लीजिएगा या फिर उसका एक नया सिम ले लीजिएगा, तभी आप एक अच्छे इंटरनेट चला पाओगे। अदरवाइज़ अगर जैसे आप जियो का इंटरनेट यूज करते हो और आपके वहाँ पर स्पीड कम है तो वो आपको कमी मिलेगी, चाहे आप कितने भी APN सेटिंग कर लीजिएगा। APN सेटिंग बस मैंने आपको बताई है, वो आपके एरिया के मैक्सिमम स्पीड तक आपकी इंटरनेट स्पीड को बढ़ा सकती है। सो गाइज मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि APN सेटिंग का काम क्या होता है। तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ, अब आते हैं अपने वीडियो के ऊपर। तो यहाँ पे बेराग में आपको सबसे पहले अनस्पेसिफाइड पर क्लिक मिलेगा, तो वहाँ से उसको अनटिक करना है, और अनटिक करने के बाद जितने भी यहाँ पे बेराग आपको शो होते हैं गाइज उनको सबको ऑल टिक कर दीजिएगा। अब ऑल टिक करने पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमारे में तो एक या दो ही सेव होते हैं, तो हम ऑल पे कैसे करें। तो गाइज नो टेंशन, आप टेंशन मत लीजिए, आपके अगर फ़ोन में एक ही बियागार या दो बियागार सेव होते हैं तो आप ओनली LTE या फिर स्टार्टिंग के जो दो है उनको सेव कर लीजिएगा। अगर दो भी नहीं, एक ही होता है तो ओनली LTE को सिलेक्ट करके सेव कर लीजिएगा। करने के बाद गाइज इस APN को हम कर लेते हैं सेव। तो APN जो है हमारा बन चुका है। अब APN अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे जो इंटरनेट है इसको बंद कर देता हूँ, बंद कर लिया मैंने गाइज। अब मैं इस वाले APN को चलाता हूँ। मैं आपको प्रॉपर तरीका बता रहा हूँ कि किसी APN को जब हम बनाते हैं तो उसको कैसे अपने डिवाइस में रन करते हैं। तो अब हमारा ये जो APN है ये चल चुका है। अभी मैंने अपना जो इंटरनेट है वो ऑन नहीं किया है। क्यों नहीं किया है उसका भी एक वजह है। वजह ये है गाइज, अब मैं अपने फ़ोन को करने वाला हूँ रिबूट। रिबूट करने के बाद अपने फ़ोन की स्पीड इंटरनेट को जो है मैं ऑन करूँगा। अभी एक मिनट के लिए मैं इस वीडियो को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि रिबूट जब होगा तो फ़ोन डाउन और अप होगा। तो अभी रिबूट करने के बाद मैं आता हूँ आपके आपको स्पीड टेस्ट ओखला के ऊपर लेके जाऊँगा। सो गाइज हमने कर लिया अपने डिवाइस को रिबूट। तो अब मैं इसकी आपको स्पीड दिखाना चाहूँगा स्पीड टेस्ट के अंदर। तो गाइज अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि रिबूट करने का कितना हमें बेनिफिट मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी कोई APN सेटिंग करो तो उससे करने के बाद इंटरनेट चलाने से पहले आपको अपने डिवाइस को रिबूट करना होता है। तो जहाँ तक हमें पहले जो डिफ़ॉल्ट APN था उससे हमें 5 MBPS के आसपास स्पीड मिल गई थी, बट यहाँ पे जो स्पीड मीटर है वो 52 MBPS के आसपास पहुँच चुका है। तो ये सब जो बेनिफिट है गाइज ये सब रिबूट का ही बेनिफिट है। अगर आप अपने APN की सेटिंग करने के बाद अपने डिवाइस को रिबूट नहीं करते हो तो आपको अपने फ़ोन में अच्छे वाली इंटरनेट स्पीड देखने के लिए नहीं मिलती है। सो गाइज आज की इस वीडियो में जहाँ तक मुझे पता है आपके सभी जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर डाउट अभी अभी भी आपके कुछ बचे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए,
मैं कमेंट में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम होगी गाइस उन सभी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और विद इन 2 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। सो गाइस मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।